नमस्ते अंकल। सुहानी कॉलेज? आप यहाँ? आप मेरे साथ आइए ना। आप अरे ये कहाँ चले गए? नाश्ता भी नहीं किया और तुझे लेके एडमिशन के लिए भी तो जाना है। मैं देखती हूँ माँ। नहीं तो रुक, मैं देखती हूँ। बस एक दो दिन में भेजेंगे बेटा, कोशिश करेंगे। अरे रणवीर बेटा तुम यहाँ? हाँ वो आज कॉलेज का पहला दिन था और सुहानी कॉलेज नहीं आई तो इसलिए मैं आ गया पूछने कि क्यों नहीं आई है। ये घर भी आ गया? कॉलेज? हाँ कॉलेज, अंकल ने बताया होगा ना आपको, सुहानी ने एडमिशन टेस्ट में टॉप किया है। तो रोल नंबर का कुछ कंफ्यूजन हो गया था, इस वजह से रिजल्ट गलत आया था। सुहानी को एडमिशन मिल गया है। वो इन्होंने बताया था कल आ जाएगी कॉलेज। तुम यहाँ क्यों खड़े हो? अंदर आओ ना। नहीं आंटी, मैं चलता हूँ। अच्छा रुको एक मिनट। इतनी अच्छी खबर लेकर आए, मुंह तो मीठा करके जा। वैसे दुनिया की सभी माओं का कुकिंग का सीक्रेट इंग्रेडिएंट प्यार होता है, इसलिए वो जो भी बनाती हैं बहुत टेस्टी बनता है। मेरी माँ भी पेड़े ऐसे ही बनाती, बहुत टेस्टी है। नमस्ते। जी आपने बताया नहीं। बाप हूं इसका तो इसका भला बुरा इससे ज्यादा समझता हूं, इसलिए नहीं बताया। लेकिन फिर भी अगर उसी कॉलेज में पढ़ने की इसकी जिद है तो फिर मेरी कुछ शर्तें माननी होंगी, तभी जा पाएगी कॉलेज पढ़ने। घर से कॉलेज और कॉलेज से घर के अलावा दूसरी किसी जगह नहीं जाएगी। कॉलेज पढ़ने के लिए जा रही है तो केवल पढ़ाई में ही ध्यान लगाएगी, दोस्ती यारी में ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है।
उस रिया नाम की लड़की से कोसों दूर रहना होगा। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, तो उस कॉलेज की चकाचौंध में अपनी हैसियत न भूल जाए। एक दो सहेलियों के अलावा घर में कोई भी नहीं आएगा। लड़के सिर्फ क्लास में होंगे, जिंदगी में नहीं। लड़कों से दोस्ती करना तो बहुत दूर की बात है, किसी से बात भी नहीं करनी है तुम्हें। कॉलेज के किसी फंक्शन या पार्टी में नहीं जाओगी, और ये देर रात घर आना तो ख्वाब में भी मत सोचना। और एक बात का ख्याल रखना कि मैं तुम्हें उस कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए भेज रहा हूँ, अपनी बदनामी करने के लिए नहीं। और जिस दिन भी मेरे कानों में तुम्हारी एक भी शिकायत पहुंची ना, वो दिन तुम्हारी पढ़ाई का आखिरी दिन होगा, और दूसरे ही दिन शादी के मंडप में बैठा दूंगा तुझे। जाओ भाई, काम पे लग जाओ। सारी तैयारी हो गई? हाँ भाई, सब रेडी एकदम। वो मेन आइटम का है जो मैंने मंगाया था। मेन आइटम? कौन सा मेन आइटम? वही जो मैंने डे वन ऑर्डर किया था। कहाँ है वो? कब आएगा? स्वानी के आने के बाद? हाँ, आ गया आ गया आ गया भाई, मेन आइटम आ गया। तो आप खड़े क्यों हो यहाँ पे? जाके सबको डबल चेक करो। हाँ। जाओ। लीजिए, ये लीजिए। बेटा, आज तेरी कॉलेज का पहला दिन है, और ये सिर्फ तेरा ही नहीं, मेरा भी सपना है। ये जो काश शब्द होता है ना, बहुत डेंजरस होता है, बहुत दर्द देता है पूरी उम्र। इससे हमेशा दूर ही रहना। हमारे इस सपने को हर पल खुल के जीना। अच्छा, ये ले जूस की बॉटल, और ये तेरा खाने का डब्बा, और हाँ ये डब्बा ना रणवीर को दे देना, और थैंक यू बोल देना। लाल पेड़े हैं इसमें, उसे अच्छे लगे थे ना, इतनी मदद की है उसने तेरी, दे देना उसे। माँ, वो सीनियर है मेरा, वो डब्बा देते हुए कितनी अजीब लगूंगी मैं। अरे अजीब क्या लगेगी, इतनी मदद की है उसने तेरी। उस दिन एग्जाम के लिए भी वही लेकर आया था, और तेरा पेपर भी उसी ने रीचेक करवाया ना, उसी की वजह से तू यहाँ है। हाँ वो तो है, पर है तो वो अथरंगी आदमी ना, कब क्या कर दे कुछ कह नहीं सकते। आपको पता है ये पहला डॉक्टर होगा जो लोगों की हड्डियां जोड़ेगा नहीं, तोड़ेगा। हे भगवान, तू भी ना बात को बढ़ाना कोई तुझसे सीखे। एक थैंक यू बोलने में कितने ड्रामे कर रही है। अच्छा बोल दूंगी। बाय।
क्या कॉलेज है? फर्स्ट डे पर रैगिंग की जगह रेड कार्पेट। वेलकम टू कॉलेज में जिम्मेदारी। आज से तुम्हारे डॉक्टर बनने का सफर शुरू होता है। इस लड़की को इस कॉलेज में ले तो आया, लेकिन इस लड़की को मैं इस कॉलेज में रहने नहीं दूंगा, क्योंकि तेरी खुशी इस लड़की से जुड़ी है और मेरी खुशी तेरे आंसुओं से। अब मेरी इस नफरत का साइड इफेक्ट इस लड़की को झेलना होगा। वो मुझे कुछ कहना था। बोलो। वो एक्चुअली रिलैक्स, जो भी बोलना है बोल दो, मैं यही हूँ, भाग नहीं रहा हूँ।
वो मैं कहना चाह रही थी कि एक सेकंड। आमा रणबीर कहाँ हो तुम? कॉलेज में। यहाँ पार्टी शुरू हो गई, तुम अभी तक कॉलेज में हो? सब तुम्हारी वेट कर रहे हैं। रणबीर प्लीज लीव। माँ वो एक काम था, उसे खत्म करके आ रहा हूँ। कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं है रणबीर, प्लीज लीव, जल्दी निकलो वहाँ से। यार माँ छोटा सा काम है, खत्म करके आ जाऊंगा। देखो रणबीर, अगर इस छोटे से काम के लिए रुके ना तो अपनी माँ का बहुत बड़ा लेक्चर सुनोगे। यू अंडरस्टैंड? लीव, तुम्हें मेरी कसम है। लो हो गया, अब आपकी कसम के आगे मुझे क्या ही कहना। आता हूँ। ओके आई एम वेटिंग, बाय। सॉरी, वो माँ का ऑर्डर है और मैं भले किसी की बात ना सुनूं लेकिन अपनी माँ की और अपने दिल की हमेशा सुनता हूँ। तो अभी मुझे जाना होगा, अभी के लिए तुम्हारी बात को पॉज करते हैं, इसे हम बाद में रिज्यूम करें। ऑफ कोर्स, माँ की इम्पोर्टेंस अच्छे से जानती हूँ मैं। समझ जा, हर बार हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। ऐसी उम्मीद भी नहीं है, इसलिए समझ जाऊंगा। बट अभी के लिए थैंक्स। अरे भाई यहाँ क्या कर रहा है? वो फ्रेशर्स का फर्स्ट डे है आज, चल। इसलिए तो यहाँ पर आया हूँ। बहुत ग्रैंड वेलकम दिया ना उसने मिस जिम्मेदारी को, अब वेलकम सेरेमनी तो हमें भी देना पड़ेगी। ऋषि कहाँ? पापा की परी, कहां हमारा रेड कार्पेट कुचलती आ रही हो? I thought कि ये फ्रेशर्स के लिए है। यहाँ कोई फैशन शो हो रहा है जो हम फ्रेशर्स को यहाँ रेड कार्पेट पे वॉक कराएंगे? पढ़ना ही हो ना, उसी में ध्यान दो। वैसे भी ना ये किसी समवन स्पेशल के लिए है, तुम्हारे जैसे फ्रेशर्स के लिए नहीं। हाँ समेटो उसको, आ जाओ समेटो समेटो। रघु, जॉन, रो कहीं जा रहे क्या? देख माने कसम दी है, इसलिए जाना ही पड़ेगा। सुनो, तुम दोनों मेरी जिम्मेदारी का अच्छे से ध्यान रखना, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और ऋषि से कह देना कि उसकी तरफ आंख उठा के भी ना देखे, वरना दोबारा वो देख नहीं पाएगा। ठीक है भाई, हो जाएगा। रणवीर की इस जिम्मेदारी का बोहाल करना के कॉलेज इसके लिए ड्रीम नहीं, नाइटमेयर होना चाहिए। इस लड़की का चेहरा मैं दोबारा इस कॉलेज में देखना नहीं चाहता। सो मेक श्योर आज का दिन इस लड़की के लिए इस कॉलेज में लास्ट हो, और उसके बाद आई विल मेक श्योर कि मैं तेरे लिए इस कॉलेज में बियर का टैंक लगवाऊं। फिर डील लाने में हो जाएगा। John, Raghav, what's up, bro? भाई अभी थोड़ा बिजी है, बाद में बात करते हैं। अरे वो फ्रेशर सुहानी, उसकी टेंशन तुम मत लो यार। I mean, सब लोग जानते हैं कि वो रणवीर की जिम्मेदारी है, उससे कोई पंगा नहीं लेगा। मुझे तुम्हें कोई जरूरी बात बतानी है। ऐसी क्या बात करनी है, यहीं कर ले। अरे यार मैंने सुना है कि कोई गैंग रणवीर की फील्डिंग सेट कर रहा है। बात कर रहा है? ओए ऐसी किसकी औकात हो गई जो रणवीर की फील्डिंग सेट करेगा? अरे वही तो बात है यार,
चलो आओ मेरे साथ। एक्सक्यूज मी, फर्स्ट ईयर की क्लास कहाँ लग रही है? फ्रेशर, तुम लोग की क्लास आज वहां लग रही है। इधर कहाँ जा रही हो? उधर जाओ। प्रशा, इसके साथ कुछ तो स्पेशल करवाना पड़ेगा। या नाम क्या है? नाम सुहानी। सुपर। तो गाइस, प्रशा सुहानी हमारे सामने एक डांस ड्यूट परफॉर्म करने वाली हैं और यहाँ पर इनके पार्टनर बनेंगे नीरव। कम ऑन सुहानी। पर ये तो गलत है ना, आप ऐसे रैगिंग नहीं ले सकते, ये कानूनन जुर्म है, आपको सजा तक हो सकती है इसके लिए। ओ, तो अब तुम अपने सीनियर को बताओगे कि उसके कॉलेज के रूल्स क्या हैं। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, दिस इज नॉट रैगिंग, इंट्रो है। चलो अब नाचते हुए इंट्रो दो अपना। नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं कर पाओगे? I mean, मैंने कभी सबके सामने यूं डांस नहीं किया है। मैं काम करती हूँ, मैं पहले सबको देख लेती हूँ, फिर उनसे कुछ सीख लेती हूँ और परफॉर्म कर दूंगी। ओके फाइन गाइस, हाँ अपने बेस्ट को लास्ट के लिए सेव करके रखते हैं। लाइन में खड़े हो जाओ। बेटा चम्मच से बाल्टी भरनी है तुझे। ओ ग्रीन जैकेट, वो लैम देख रहा है, उसको तब तक गाली दे जब तक वो जल नहीं जाता। टाइम तो ले लिया पर अब इनसे बचूं कैसे? प्रिया भी पता नहीं कहां रह गई।